कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त तक एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हो चुका है इस वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे ओवरसीज़ प्राइम वन में जो स्मार्ट स्टैम कॉलेज बन रहा है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के सेपरेट कैंपसेज होंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की क्या अपडेट है एज द फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी 2024 इस वीडियो में जिस तरह मैंने सीरीज शुरू की हुई है मैं पहले सेक्टर वाइज वीडियो और को बीच में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग आती है जैसे कि ये बिल्डिंग है इस हवाले से मैं ऐड करूंगा अब ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जितना भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेल्फ सस्टेंड है जैसे आमतौर पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट जो ब्रांड्स है जैसे पाकिस्तान में रूट्स हैं या डिफरेंट एजुकेशन के ब्रांड्स हैं रूट सिटी स्कूल बिगन हाउस इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं उनको प्लॉट देकर वहां पर अकोमोडेट किया जाता है और वो जॉइंट वेंचर बेस पे यानी प्लॉट उनको स्कूल को दिया जाता है स्कूल कंस्ट्रक्शन करता है और बाद में सोसाइटी के साथ कोई एडजस्टमेंट की बेस पे उनको प्लॉट की पेमेंट पे करते हैं इन द लेटर रन लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऐसी क्या नौबत आई कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना सारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे अपने पास रखा है अगर आप देखते हैं कि ओवरसीज ईस्ट में तो आपको जो स्मार्ट स्टेम स्कूल है उसकी कंस्ट्रक्शन नजर आती है उसके अलावा देखते हैं ओवरसीज प्राइम वन में तो स्मार्ट स्टेम गर्ल्स कॉलेज एंड बॉयज कॉलेज दो सेपरेट कैंपिस तैयार हो रहे हैं जिसकी ग्राउंड प्लस फोर की जो बिल्डिंग है तीन बिल्डिंग्स हैं एक four, एक और एक ग्राउंड 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 प्लस 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 और की जो बिल्डिंग है उसका अभी तक स्ट्रक्चर बन चुका है और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है इस पर ज्यादा तेजी से काम होगा तो ये कंप्लीशन हो जाएगी मेरे हाल में ग्राउंड प्लस फाइव या ग्राउंड प्लस सिक्स का इसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लेकिन ओवरऑल देखा जाए साइज ऑफ प्लाट के वाले से तो मुझे बारे बारे में में इस में कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मास्टर प्लान पे और प्राइम वन के इस प्लॉट के बारे में या सच को एरिया जो है वो उसमें क्लियरेंस नहीं दी गई लेकिन इसकी लोकेशन के हवाले से वो ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है अगर आप ओवरसीज प्राइम वन के गेट नंबर थ्री से एंटर होते हैं और गेट नंबर थ्री से रिंग रोड रावलपिंडी इंटरचेंज का जो मेरा शरीफ इंटरचेंज या चक्री इंटरचेंज है वहाँ से देखते हैं तो टू किलोमीटर के डिस्टेंस पे आए अगर आप वहाँ से एंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पर सेक्टर ए में आके इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी ने खुद क्यों रखा हुआ है अपना स्पैप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसको एक मेजर जनरल हेड कर रहे हैं क्या जरूरत पड़ी ऐसे सिस्टम की कि कैपिटल स्मार्ट ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है अब कैपिटल स्मार्टी और लाहौर स्मार्टी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जो स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे तो एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जदीद तर्ज पे दोबारा से डिज़ाइन करके यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग भी खुद की जाती है टीचर का स्टाफ भी अपना होगा और तमाम जो कॉलेज की मैनेजमेंट होगी वो स्मार्ट सिटी के पास खुद होगी इसकी रीज़न ये है कि मेम्बर्स को ए प्लस प्लस क्वालिटी की एजुकेशन जो है उनके बच्चों के लिए वो प्रोवाइड की जा सके सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि देखा जाए तो क्या जरूरत पड़ी ऐसे जल्दी से बनाने की एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर भी पहले कॉलेज बना दिया गया है यहाँ भी कॉलेज बना दिया गया है स्कूल भी बन गया यहाँ पे एक और स्कूल है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है बल्कि ओवरसीज सेंट्रल में एक गर्ल्स कॉलेज की कंस्ट्रक्शन एक बॉयज़ कॉलेज की कंस्ट्रक्शन एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन लीनियर पार्क के दरमियान ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रही है तो क्या ऐसी जरूरत पेश आई जो इतना तेज़ी से हंगामी बुनियादों के बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रीज़न इज़ कि जब कैपिटल स्मार्टी की साइड पे कोई भी मेंबर मूव करेगा अभी राइट नाउ तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं लेकिन कोई भी मेम्बर मूव करेगा तो सबसे पहली जो नीड होगी वो वो होगी हेल्थ एंड एजुकेशन तो सोसाइटी ने दोनों चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा है नंबर वन आपको फिफ्टी बेड के हॉस्पिटल मिलते हैं नंबर टू आपको ऑलरेडी रिहबिटेशन सेंटर की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है नंबर थ्री ये स्मार्ट स्टम स्कूल एंड स्मार्ट स्टम कॉलेज जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जा रहा है ताकि सेल्फ सस्टेनेबल का सबसे पहला मॉडल ये होता है कि एक एकदम सोसाइटी गेट से आप एंटर हो तो आपको किसी भी काम के लिए दूसरी जगह पर ना जाना पड़े आपकी जॉब्स के लिए सिलिकॉन विलेज का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट रखा गया है आपके एजुकेशन के लिए स्मार्ट स्टैम स्कूल रखे गए हैं आपकी हेल्थ के लिए साइड पे हार्ले स्ट्रीट ट्रेने के लिए बहुत बड़ी लैंड है जिसको हैंड कर दिया गया है हार्ले स्ट्रीट की जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उसको उसके साथ साथ दो हॉस्पिटल एक फिफ्टी बेड हॉस्पिटल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको ऑलरेडी साइड पर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है ताकि मेम्बर्स को हर लिहाज से साइड पर वो फिजिबिलिटी मिले जो आप इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी भी शहर में एडवांस रेन सिटी में क्योंकि इसको सोसाइटी या टाउन के तौर तो पर प्लान नहीं किया गया इसको प्लान किया गया है एज ए इंडिपेंडेंट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल सिटी इसीलिए आपको देखते हैं कि तकरीबन अभी अट्ठाईसो एकड़ का सिलिकॉन विलेज है आगे जाके ये तकरीबन जो अभी नंबर्स आ रहे हैं तीन हज़ार एकड़स के आसपास टोटल डिस्ट्रिक्ट होगा तो कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा बस अंदाज़ा लगा सकते हैं ये है सेल्फ सस्टेनेबल होने का सबसे बेहतरीन मॉडल इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देख सकते हैं मास्टर प्लान जो आज की वीडियो है वो इस ब्लॉक के हवाले से है जिसमें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अगर आप एक नज़र ओवरसीज़ पूरा कैपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देखें तो इमेजिन करें कि अभी ये मास्टर प्लान का सोसाइटी की तरफ से ट्वेंटी परसेंट एरिया लॉन्च किया गया है ट्वेंटी या थर्टी परसेंट एरिया होगा जो लॉन्च किया गया है रेजिडेंशियल ब्लॉक से लॉन्च किए गए हैं कोई मेजर डिस्ट्रिक्स नहीं लॉन्च किए गए ये ओवरसीज ईस्ट है ये ओवरसीज प्राइम है ये एक्जैक्टिव ब्लॉक है और ये इसका ओवरसीज सेंट्रल है नॉर्थ साइड पर गोल्फ कोर्स के एग्जेक्ट ईस्ट ब्लॉक इस ईस्ट साइड पे वर्सेस प्राइम वन वेस्ट साइड पे वर्सेस सेंट्रल और देखा जाए साउथ साइड पे तो आपके एक्जेक्टिव ब्लॉक बनता है अब इसमें एक्जेक्टिव ब्लॉक जो है उसमें लिटिगेशन के इश्यूज हैं वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ बाकी जो ब्लॉक्स हैं तकरीबन हंड्रेड परसेंट मोस्टली डेवलप्ड हैं नाइन्टी या नाइन्टी फाइव परसेंट तो सारे डेवलप्ड हैं कुछ एरियाज़ हैं जो अभी तक लिटिगेटेड हैं अब वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का क्यों इतना इंपॉर्टेंट था मैं स्टूडियो वो एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है ये आपको जो रोड नजर आता है ये एंट्रेंस रोड है इससे टू किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि ये मेरा शरीफ जो है जगह बनती इस जगह पे आपका रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज आ रहा है रावलपिंडी चक्री रोड का इंटरचेंज रिंग रोड का और उससे बिल्कुल देखा जाए टू किलोमीटर डिस्टेंस पर कॉलेज और ये एंट्रेंस गेट के बिल्कुल साथ हैं अब जब भी कैपिटल स्मार्टी में देखें इनके ओवरऑल मास्टर प्लान में तो इन्होंने जो सिस्टम एजुकेशन का रखा हुआ है या ओवरऑल जो जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहे हैं ये इंटरचेंज के साथ देखें तो ये यूनिवर्सिटी है और यहीं पे साथ आके हारले स्ट्रीट क्लिनिक है या हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ देखें तो बिल्कुल साइड पे यानी कि ऐसी जगह पे कॉलेज या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रखे गए हैं कि जहाँ से सोसाइटी के अपने रेजिडेंट को आसानी तो हो लेकिन बाकी ट्रैफिक की वजह से मेबर्स को मुश्किल ना हो अब यूनिवर्सिटी में लट्सा जी दस स्टूडेंट या पंद्रह स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये जो सबसे एक्सपेंसिव लैंड है इसको रिजर्व करने की बजाय ऐसे भी नॉर्मल लैंड भी यहाँ भी रखी जा सकती थी लेकिन इसको यहाँ इसलिए रखा गया है कि रेजिडेंट्स के लिए आसानी हो ना कि ये सबसे एक्सपेंसिव लैंड अगर यहाँ सोसाइटी चाहती तो एक अरब रुपये का भी यहाँ पे प्लाट जो है वो इजीली बेच सकती थी पाँच कनाल पाँच कनाल का अरबों रुपए की जमीन सोसाइटी ने यूनिवर्सिटी को दे दी और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट को दे दी ताकि मेम्बर्स के लिए आसानी पैदा हो अब ये जो कॉलेज का है ये भी बिल्कुल गेट के साथ रखा गया यानी किसी रेजिडेंट को यहाँ पे मुश्किल नहीं होंगी आसानी के लिए सबको यहाँ पे फिजिबिलिटी है सबको एक्सेस है मुश्किल क्यों नहीं होगी कि ये गेट से आप एंटर होते हैं आप यहाँ से फॉर एक्जाम्पल कॉलेज जाते हैं और कॉलेज अंदर आ जाते हैं कोई डिफिकल्टी नहीं है और शुरू में ये मेन रोड के ऊपर सारे कमर्शल प्लाट्स हैं तो ऐसा सच जो प्राइम के मेम्बर्स हैं उनको भी डिफ़िकल्टी नहीं है आसानी ये है कि तमाम जो ओवरसीज़ ईस्ट ओवरसीज़ प्राइम ओवर एग्जेक्टिव ब्लॉक सेंट्रल के जो जो होंगे सेंट्रल में तो वैसे यहाँ पर वैसे ही बन रहे हैं कॉलेज ये जो प्लाट्स हैं मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ आगे जाके कि सेंट्रल में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है प्लाट्स पर ये आपको सेंट्रल का मास्टर प्लान मैंने इसमें अपलोड कर दिया है अब सेंट्रल में जो लीन पार्क के दौरान यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये मिनी मार्केट का प्लॉट है ये मॉस का प्लॉट है ये जूनियर स्कूल का प्लॉट है फिर यहाँ पे फिर जूनियर स्कूल हायर कॉलेज और ये मिनी मार्केट अब मुझे नहीं पता कि मास्टर प्लान भी इतनी चीज़ें डिटेल से अपडेट हुई हैं कि नहीं बट मैं सेंट्रल में आपको छोटे से रेफरेंस पॉइंट दिखाता हूँ ये देखें कि जी ऑलरेडी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बनता है किस चीज़ का कॉलेज ये मॉस का प्लॉट है इसके अलावा पीछे जाएँ यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बन रहा है ये जूनियर स्कूल का आई थिंक प्लॉट बनता है अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे कैपिटल स्मार्टी की साइड पे ये अभी ये भी दो प्लॉट्स हैं एक पे जूनियर कॉलेज और एक पे हायर कॉलेज बन रहा है यानी कि सिर्फ ओवरसीज़ सेंट्रल में चार बिल्डिंग्स बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरसीज़ प्राइम में आ जाएँ तो यहाँ पर ओवरसीज़ प्राइम के अंदर जिस बारे में आज की वीडियो है जिस टॉपिक के वाले से वो ये कॉलेज के प्लाट हैं अब देखें अगर लट से जी अभी इमेज में बताता हूँ कि ये इमेजेस अभी तक अपलोड नहीं हुई गूगल अर्थ पे ये इमेजेस जो है बनती ये दिसंबर 2022 में है उसके बाद मुझे अपडेट हुई है जून में जून में यहाँ पे ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आज की डेट में अगर देखते हैं हमने वीडियो एक्चुअली देख लिया है कि चार चार फ्लोर्स उनके बन चुके हैं और अभी फिजिकली इस पे काम जारी है और आने वाले तीन से चार माह के दौरान यहाँ पर मजीद जो है कंस्ट्रक्शन होगी तो ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा स्मार्ट एम स्कूल की बात करें तो ये ऑलरेडी ओवरसीज इसमें ऑपरेशनल है अब मैंने ओवरसीज सेंट्रल की बात की है जैसे कि ओवरसीज सेंट्रल में जब बिल्डिंग बनेगी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पे तो ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मेंबर्स को क्या होगा कि जिन मेंबर्स ने भी यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे आके रिहायश अख्तियार करनी है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको तमाम चीज़ें साइट पर मिलेंगी ना कि उन्हें किसी किस्म का वेट करना पड़े कि ये आपको ओवरसी से सेंट्रल का लीनियर पार्क मिलता है एक बिल्डिंग ये बन रही है आपकी एक बिल्डिंग आपकी ये बन रही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस के लिए रिजर्व हैं फिर एक बिल्डिंग आपकी यहाँ पे बन रही है एक बिल्डिंग आपकी यहाँ पे बन रही है ये सारी बिल्डिंग जब कंप्लीट होंगी तो डेफिनेटली स्मार्ट टीम में जिस भी मेंबर ने आकर रिहायश अख्तियार करनी होगी उनके लिए तमाम चीज़ें सेल्फ सस्टेनेबल सर्टेन, मॉडल के तहत आपको आपकी साइट पर ही मिलेंगी सो सोर्यस दिस वॉज फ्रॉम डे अगर आप तो कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मूलमत चाहिए तो देखिए नंबर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोल्यूशन डॉट कॉम अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़